राजस्थान के दूसरे शहरों में भी उदयपुर कांड को लेकर गुस्सा। बांसवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी गौस का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल लाया जाएगा। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस अलर्ट मोड पर। जुमे की नमाज से पहले कानपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का मार्च, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आज से लगेगी पाबंदी। इस्तेमाल और बेचने वालों पर नियमों के तहत की जाएगी कार्रवाई। प्लास्टिक के बर्तन और थर्माकोल आदि के इस्तेमाल पर भी लग जाएगी रोक। प्लास्टिक की बिक्री और उत्पादन पादन पर नजर रखेगी विशेष टीम। ऐप के जरिए हो सकेगी शिकायत। गंगा नदी में हुई रिसर्च के मुताबिक रोज 315 टन यानी 80 हाथी के वजन के बराबर नदी में बह रहा है प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर एक बड़ा तबका कर रहा था विरोध। 60,000 करोड़ के प्लास्टिक उद्योग में लाखों लोगों को मिला है रोजगार। पंजाब विधानसभा ने अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव में इस योजना को वापस लेने की मांग। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया विधानसभा में प्रस्ताव पेश। विरोध में आई बीजेपी। क्या कि स्कीम वापस लो, लोक विरोधी है, देश विरोधी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। दोवें मते यूनिवर्सिटी आ तो दोवें मते पास करते हैं औसत। कांग्रेस ने भी किया अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध। कहा सेना के आधारभूत नियमों के विरुद्ध है। पटना में भारी बारिश। दूसरी हमारी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिशंस हैं ये बटालियंस की या रेजिमेंट्स की जो है, तो ये उसके दो बेसिक पिलर्स क्या हैं जिन पर इंडियन आर्मी खड़ी होती थी। एक था हमारा जो रेजिमेंटल सिस्टम, दूसरा था वॉर वेटरन्स का कि कितना लंबा अरसा इसने नौकरी की या कितने मेडल जीते हैं। तो ये बेस था दो पिलर्स पर जहां हमारी आर्मी खड़ी थी। ये तो दोनों इसके साथ ही। पटना में भारी बारिश से डूबा राजीव नगर थाना। मानसून के इंतजामों की पुल खुल गई। हिमाचल पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बरसात ने खोल दी व्यवस्थाओं की पोल। बस अड्डे के बाहर NH 205 नाले में हुआ परिवर्तित। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से सड़कों पर आया मलबा, आवागमन बाधित। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे 5 घंटों तक रहा बंद। पत्थर गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति और भयावह। हजारों लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। चेन्नई में लगातार बारिश के कारण जलभराव। रूट पर वाहन चलना दुभर। राजस्थान के भरतपुर में बरसात का कहर जारी। जलमग्न हो गए शहर। मणिपुर के नोनी जिले में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड। अब तक 8 लोगों की शव बरामद। मणिपुर के तुबल रेलवे स्टेशन के पास लगा था टेरिटोरियल आर्मी का कैंप। 13 सैनिक और 5 सिविलियन को सकुशल बचाया गया। मुंबई में कल तेज बारिश से देर रात 1 तक का त्राहिमाम कई इलाकों में देखा जल जमाव। मौसम विभाग ने दी अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी। हरियाणा के रोहतक शहर हुआ पानी पानी। सड़कों पर गलियों पर पानी इकट्ठा हुआ। यमुनानगर में मानसून की दस्तक से खुशी। खुल गई शहरी विकास की पोल। पानी से लबालब हुए हाईवे और सड़क। बारिश से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सोम और पथराला नदियां। भवानी में 2 घंटे की हल्की बारिश ने खोल दी प्रशासन के दावों की पोल। गलियों और सड़कों पर भर गया पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ घोषित की अपनी प्लेइंग 11। बिलिंग्स और
एंडरसन की वापसी, आज से एस्बेस्टन में होगा मुकाबला। भारत के कोच राहुल द्रविड़ और जसप्रीत बुमराह ने किया पिच का निरीक्षण, पांचवें टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं बुमराह। बाबर आजम ने रच दिया ऐतिहासिक 1014 दिन से टी20 रैंकिंग में है नंबर वन, तोड़ दिया विराट कोहली का रिकॉर्ड। मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई पीवी सिंधु, पहला गेम हारकर जोरदार वापसी, टॉप एट के लिए ताई जू से होगा मुकाबला। नीरज चोपड़ा का जलवा, डायमंड लीग में जीता सिल्वर, तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में ग्रामीण महिलाओं ने सबसे ज्यादा पैसा जमा किया, 2020 के 37% से बढ़ाकर 2022 में 66% हुई हिस्सेदारी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पर है आंध्र प्रदेश और गुजरात, तेलंगाना वित्त मंत्री जारी की रिपोर्ट। जनवरी जून छमाही में भारत के कॉफी निर्यात में 19% की बढ़ोतरी, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। 1 जुलाई से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग जाएगा बैन, अब दूध शैंपू चिप्स और नमकीन के पैकेट्स की पैकिंग में कंपनियों को करना होगा जल्द ज्यादा खर्चा। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट से क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भारी मुसीबत का संकट, कई एक्सचेंज ने भारतीय मुद्रा में कारोबार करने पर रोक लगा दी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एमएसएमई को मिल गई बड़ी राहत, छोटे कारोबारियों को बिना रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन कारोबार करने की मिल गई छूट। इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार की विस्तार योजना के लिए टीवीएस मोटर्स जुटाएगी $30 करोड़, पीजी कैपिटल और केकेआर एंड कू के साथ चल रही है बातचीत। अप्रैल जून तिमाही में घरों की बिक्री में गिरावट, जनवरी मार्च के 99,550 के मुकाबले दूसरी तिमाही में बिके हैं करीब 85,000 फ्लैट्स।